कैसे आप लोग मैं दुर्गा जयसवाल आज हम लोग पर्यावरण के तीस महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे फटाफट सीरीज में और यहाँ से वही प्रश्न पढ़ेंगे जो पर्यावरण परीक्षा में पूछे जाते हैं पूछे जाने की संभावना है मैंने अगर आपने एक बार इन प्रश्नों को पढ़ लिया तो आने वाली परीक्षाओं में पर्यावरण में कभी भी आपके कोई प्रश्न गलत नहीं होंगे चलिए देरी बिना किए इस वीडियो को तेजी शुरू करते हैं और जल्दी जल्दी फटाफट फड़ तीस प्रश्नों के महत्वपूर्ण उत्तर भी बताते चलते हैं और आप भी जल्दी जल्दी इसके प्रश्नों के जवाब देते दे चलिएगा पहला प्रश्न पर्यावरण को किसका समानार्थी माना, कि माना जाता है मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है पहला कि पर्यावरण को किसके समानार्थी माना जाता है ऑप्शन है प्रकृत का जल का घर का प्रकाश का जल्दी से अपना जवाब दीजिएगा कि पर्यावरण को किसका समानार्थी माना जाता है चलिए इसका जवाब जल्दी जल्दी फटाफट हम बताते हैं इसका जवाब होगा प्रकृत का क्या होगा प्रकृत का पर्यावरण को प्रकृत का समानार्थी माना जाता है जल का नहीं प्रकाश का नहीं घर का नहीं क्योंकि पर्यावरण के अंतर्गत जल प्रकाश और घर आवास आते हैं लेकिन अगर समानार्थी की बात करेगा इसका विकल्प प्राकृतिक होगा चलिए फटाफट अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं प्रश्न नंबर दो देखते हैं प्रश्न नंबर दो यहाँ पे क्या है आपका आप देख रहे होंगे डिस्प्ले पर आपके प्रश्न दिखाई दे रहा होगा कि प्राकृतिक वातावरण किससे बना है जो प्राकृतिक वातावरण है वो किससे बना है आपके सामने चार विकल्प है पहला है धरातल जलवायु वायु और पानी उपयुक्त सभी जल्दी से अपने प्रश्नों का जवाब दीजिएगा फटाफट प्रश्नों की सीरीज में जहाँ पे है प्राकृतिक वातावरण किससे बना हुआ है तो जानते हैं प्राकृतिक जो वातावरण है वो आपके धरातल से भी बना हुआ है वायु से भी बना है जलवायु से बना है इसका मतलब इसका जो उत्तर होगा वो ऑल ऑफ दीज होगा उपरोक्त सभी अर्थात इसका विकल्प क्या होगा डी इसका राइट आंसर होगा ठीक है ये आप लोग जानते रहेगा कि जो प्राकृतिक वातावरण है ये धरातल जलवायु वायु और पानी से मिलकर बना हुआ है हमने इस सीरीज के पर्टिकुलर सीरीज में इसको हमने पढ़ाया हुआ भी है आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ प्रश्न नंबर तीन आपके सामने आ चुका है जहां पे पूछा गया है पर्यावरण कहाँ का समग्र दृष्टिकोण है यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो एस आई बेस पर आपके लिए तैयार किए गए हैं एक बार इन प्रश्नों को सीरीज देख लेंगे तो यही प्रश्न ऐसे ही परीक्षाओं में पूछे जाते हैं पर्यावरण कहाँ का समग्र दृष्टिकोण है पहला विश्व का घर का शहर का कस्बे का जल्दी से जवाब दीजिएगा प्रश्न नंबर तीन का क्या होगा पर्यावरण कहाँ का समग्र दृष्टिकोण है क्या इस किसी शहर का अध्ययन करता है क्या कस्बे का अध्ययन करता है या घर का करता है जल्दी बताइए किसका करता है तो जो पर्यावरण का समग्र दृष्टिकोण है वह किससे है वो पूरे विश्व से है इसलिए इसका उत्तर क्या होगा ए इसका राइट आंसर होगा ए इसका सही जवाब होगा आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ फटाफट प्रश्नों की तीस प्रश्नों की सीरीज में हम लोग आगे पढ़ते हैं अगला जो प्रश्न है आपका वो है सौरमंडल मैं कहां पर जीवन संभव बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुत ही सरल प्रश्न मैं उम्मीद करता हूं उसके जवाब सभी लोग दे देंगे फटाफट इस वीडियो को अपने सभी साथियों को शेयर कर दीजिएगा और ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज इलानी दुर्गेश पे भी उपलब्ध है और हमारे यूट्यूब चैनल इलानी दुर्गेश पे सभी जगह आपको उपलब्ध है तो जल्दी से बताइएगा सौर पर जीवन संभव कहाँ है यहाँ पे है गगन में पृथ्वी पर जल में इसमें जल्दी से जवाब दीजिएगा कहाँ पे है तो इसका उत्तर आपको पता होना चाहिए सौरमंडल में एक मात्र ऐसा ग्रह है जिसका नाम है पृथ्वी जहां पर जीवन की संभावनाएं हैं उसका नाम क्या है इसलिए इसलिए इसका विकल्प क्या होगा बी राइट आंसर इसे नीला ग्रह भी कहते हैं एक छोटा सा प्रश्न आपसे पूछेंगे इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा कि पृथ्वी पर जीवन संभव होने का सबसे प्रमुख कारण क्या है आपके हिसाब से आप उसका जवाब दीजिएगा कमेंट सेक्शन में और हम आपके कमेंट का जवाब भी देंगे देखते हैं सबसे सही उत्तर किसका होता है अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं मेले का आयोजन करने के लिए सर्वप्रथम मेले का आयोजन करने के लिए सर्वप्रथम ये पर्यावरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों की, की सीरीज में हम इन तथ्यों को भी पढ़ते चलते हैं कि अगर मेले के आयोजन आ एक मिनट रुक जाइए प्रश्न थोड़ा सा हाँ <laughs> मेले का आयोजन करने के लिए सर्वप्रथम क्या आवश्यक है जल्दी से कमेंट करके बताइएगा योजना बनाना केवल तैयारी करना ए और बी दोनों पूजू मेले का आयोजन करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीजें क्या होंगी जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि मेले का आयोजन करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीजें क्या होंगी योजना बनाना केवल तैयारी करना ए और बी दोनों पूजी जल्दी से अपने जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिए जल्दी जल्दी दीजिए फटाफट तीस प्रश्नों की महत्वपूर्ण सीरीज है जो हु परीक्षा में पूछे जाने के सबसे प्रबल संभावना है आपकी भर्ती परीक्षा के सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है इसका होगा योजना बनाना राइट आंसर जिन्होंने ए बताया था उन सभी के जवाब सही है ए होगा योजना बनाना आगे बढ़ते फटाफट पर तीस प्रश्नों के सीरीज में अगला है कि मेले का शुभारंभ करने के लिए क्या चाहिए आपको भी पता होगा सिलेबस में आपके मेला को भी रखा गया है तो मेले में आप बताइएगा कि मेला का शुभारंभ करने के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें आपको चाहिए पहला मुख्य अतिथि दुकान का आवंटन मेले में शामिल कुछ लोगों का चयन ऑल ऑफ दी जल्दी से बताइए फटाफट प्रश्नों की सीरीज में इसका क्या होगा देखिए मेले का शुभारंभ करने के लिए पहले तो मुख्य अतिथि चाहिए सही बात है दूसरा दुकानों का आवंटन बिना दुकान के मेला नहीं हो सकता फिर है सी मेले में शामिल होने वाले मुख्य लोगों का चयन मानी जो मेला में सम्मिलित होंगे उनमें कौन कौन से लोग होंगे इन्हें भी आपको जानते रहना होगा इसका मतलब इसका जो प्रश्न का उत्तर होगा वो उपयुक्त सभी अर्थात ऑल ऑफ दीज होगा इसलिए इसका उत्तर क्या होगा डीज का राइट आंसर होगा आगे बढ़ते हैं पर्यावरण में मेले पर्यावरण में मे, आ, पर्यावरण मेले में होना चाहिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पर्यावरण में मेला होना चाहिए ये आपके चार विकल्प हैं कि पर्यावरण मेले में होना चाहिए आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है क्योंकि इस पर्यावरण मेले के सर्विस को भी सम्मिलित किया गया है तो प्रश्न नंबर सात बताइएगा वन जीव विलुप्त तो होने वाले जू ए और बी दोनों इसमें से कोई नहीं जल्दी से बताइए कमेंट करके अपने अपने जवाब दीजिएगा अगर मेला पर्यावरण अगर मेला के आयोजन करा रहे तो उसका सबसे प्रमुख उद्देश्य आप क्या रखेंगे देखिएगा मेला कराने का उद्देश्य काल का पर्यावरण दृष्टिकोण से अगर आप पर्यावरण के अध्यापक होकर मेले का आयोजन करा रहे हैं तो आप वन्य जीव होना चाहिए और विलुप्त तो होने वाले वा वन्य जीव भी होने चाहिए फटाफट इस प्रश्नों की स्क्रीनशॉट भी अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम पर इंस्टॉल करेगा इसकी पी आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन इसका लिंक है अगर लिंक नहीं है तो टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करेगा सर्च

डबल फोर थ्री सिक्स सेवन ये मोबाइल नंबर है दो सिक्स थ्री सिक्स सेवन है ठीक है तो इसलिए इसका नंबर आप इसके पास सुरक्षित रखिएगा हो सकता है आपके किसी काम में आ जाए देखिए पर्यावरण मेले में किसके दुष्परिणामों के ऊपर नित्य नाटिकाएं होनी चाहिए आठवें का क्या होगा इसका होगा पेड़ कटाई अति चराई ए और बी दोनों इसमें इसको देखिए पेड़ कटाई होना चाहिए क्योंकि आप देख रहे हैं पेड़ों का वनों का लगातार उन्मूलन हो रहा है वृक्ष लगातार कटते जा रहे हैं और वृक्ष का अनुपात लगातार कम होता जा रहा है अति चराई चराई ज्यादा होने से भी क्या होता है मिट्टी का कटाव होता है इसलिए पर्यावरण में मेले में किसके दुष्परिणामों के ऊपर नित्य नाटिकाएं होनी चाहिए उसका उत्तर है ए और बी दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है ए और बी

करेंगे समूह को डिफेंड करता है कि कितने छात्र संख्या आप क्या है, उस से वो नहीं वो आपके ऊपर ऐसा कई भी प्रकार से बनाकर आप पढ़ सकते हैं आगे बढ़ते हैं फटाफट प्रश्नों के तीस प्रश्नों की सीरीज में अगला प्रश्न आपके सामने है कि छात्रों को मेले के लिए छात्रों को मेले के लिए कार्य किसके अनुसार होना चाहिए देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है छात्रों को मेले के लिए कार्य किसके लिए अनुसार होना चाहिए नेता के अनुसार चपरासी के अनुसार कलक के अनुसार सभी जल्दी से प्रश्न का जवाब दीजिएगा दस का क्या होगा छात्रों के मेले के लिए कार्य किसके अनुसार होना चाहिए देखिए इसका उत्तर होगा फटाफट सीरीज में नेता होगा क्या होगा नेता होगा आगे बढ़ते हैं संपूर्ण मेले की जिम्मेदारी किसको देनी चाहिए जल्दी बताइएगा संपूर्ण मेले की जिम्मेदारी किसको देनी चाहिए जल्दी से कमेंट करके बताइएगा संपूर्ण मेले की जिम्मेदारी किसे देनी चाहिए शासकों को प्रशिक्षणों को प्रशिक्षकों को दुकानदारों को पुलिस को देखिए अगर आप पर्यावरण के अध्यापक हैं और बाल मेला करा रहे हैं और विद्यालय के प्रांगण हाल में या प्रांगण हाल के बाहर गांव में मेले का आयोजन करा रहे हैं तो इसका सबसे उपयुक्त विकल्प क्या होगा कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट देते रहिएगा और साथ ही साथ देखिए इसका क्या दे होगा प्रशिक्षकों को किससे होगा प्रशिक्षकों को होगा देखिए ऑनलाइन क्लास और नोट्स के लिए पे मोबाइल नंबर दिया गया है यह नंबर आपने पास सुरक्षित रखिएगा हो सकता है नंबर कभी आपके काम आ जाए क्योंकि हमारे ऑनलाइन क्लास भी उपलब्ध हैं सभी नोट्स उपलब्ध हैं सिक्स थ्री जीरो सिक्स थ्री डबल फोर थ्री सिक्स सेवन अगर आप फेसबुक यूजर हैं तो ई लर्निंग भी दुर्ग सर्च करके आप हमारे फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं जल्दी से आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ अगला प्रश्न आपके सामने है कि मेले के प्रत्येक समूह को किस प्रकार के दायित्व तो का आवंटन करना चाहिए मेले के प्रत्येक समूह को किस प्रकार के दायित्व का आवंटन करना चाहिए आइए इसमें देखते हैं क्या क्या होगा एक समूह को मेले के लिए स्थान के चुनाव करना चाहिए फिर एक समूह को मेले के स्थान की स्वच्छता को बनाए रखने का दूसरा एक समूह को टिकटों की व्यवस्था में बिक्री का उपरोक्त सभी जल्दी से प्रश्न नंबर बारह का जवाब दीजिएगा देखिएगा जब भी मेले का दायित्व किसी को आवंटन करना है तो यहाँ पे दीज होगा मन एक समूह को मेले का स्थान का चुनाव करना चाहिए फिर मेला को स्थान को स्वच्छता का

भारत किस राज्य में है आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा अजमेर भारत के किस राज्य में है अगर आपने पर्यावरण को पढ़ा है तो उम्मीद करता हूँ आप इसका प्रश्न का जवाब कमेंट में जरूर देंगे अजमेर किस राज्य में है अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर चौदह देश में मौजूद यातायात व्यवस्था है मोस्ट इंपॉर्टेंट यातायात व्यवस्था कैसी है चौदह नंबर प्रश्न जल्दी से बताइएगा बिना रुके रेल सड़क पे है जहाज रानी हवाई जहाज़ ये सभी जल्दी से कमेंट करके अपने जवाब दीजिएगा देखिए फटाफट प्रश्नों के पर्यावरण सीरीज में हमने यहाँ देखा कि देश में मौजूद यातायात की जो व्यवस्था है वहाँ पर जो व्यवस्था कैसी है उपरोक्त सभी है कैसी है उपरोक्त सभी है यहाँ पर रेल भी है हवाई परिवहन भी है जहाज रानी भी है मैंने ऑल ऑफ दीज है यहाँ पे क्या है सभी प्रकार का आयोजन व्यवस्था है मतलब ऑल ऑफ दीज इसका विकल्प डी सही है आगे बढ़ते हैं फटाफट प्रश्नों के सीरीज में जहाँ पे दिया है भारत में रेल किसका प्रमुख साधन जल्दी जवाब दीजिएगा रेल भारत में किसका प्रमुख साधन मैं उम्मीद करता हूँ आप इसका जवाब जरूर दे लेंगे घबराइएगा मत और अगर आप तीस के तीसों प्रश्न हल कर लेते हैं सही जवाब बताते हैं इसका मतलब है पर्यावरण प्रश्न गलत नहीं होंगे अगला है भारत में रेल को किसका प्रमुख साधन माना जाता है देखिए यहाँ पे माल भाड़े के लिए यात्री दोनों के लिए इसलिए क्या होगा और गरीबो हो इसका क्या होगा जल्दी से जवाब दीजिए पंद्रह देखिए माल भारत में जो रेल का प्रमुख साधन है वो ए और बी दोनों होगा किसके लिए मालभाड़ा और यात्री दोनों के लिए रेल का प्रयोग किया जाता है आगे बढ़ते हैं अगला जो प्रश्न हमारे सामने है वो है भारत में रेल जो यातायात है

के विकास का तेज करने में सहायता की प्रश्न नंबर सत्रह जरूर जवाब दीजिएगा उद्योग में

कब 16 अप्रैल को लेकिन आप बताइएगा किस सन में भारत में पहली रेलगाड़ी चली थी आप अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा अगला है रेलवे वित्त कब सामान्य से राजस्व पृथक हुआ मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न रेलवे वित्त कब से सामान्य राजस्व पृथक होकर अलग हुआ इसका जवाब क्या होगा उन्नीस सौ में क्या हुआ यह तोड़कर अलग हुआ आगे बढ़ते हैं देखिए इसकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल करिएगा सर्च करिएगा दुर्गेश सर बिना स्पेस के जुड़ेगा इलेनी बी दुर्गेश से डिस्क्रिप्शन है इलेनी भी दुर्गेश अगर आप फेसबुक यूजर है तो फेसबुक पे इलेनी भी दुर्गेश को करिएगा वहाँ पे आपको नोट्स मिलते रहेंगे और साथ ही साथ इंस्टाग्राम इलेनी बी दुर्गेश्विटर पर इलेनी भी दुर्गेश रेलवे ने किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है

देश के आर्थिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा है यहाँ पे एक प्रश्न आपके सामने है किस रूप में सड़क देश के आर्थिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण ढांचा है प्रश्न नंबर इक्कीस का जवाब दीजिएगा यातायात के रूप में कर के रूप में सुविधा के रूप में इसमें से कोई नहीं जल्दी से बताइए क्या होगा देखिएगा भारत में अगर देखा जाए तो ये इसका सबसे ज्यादा जो है वो यातायात के लिए किसके लिए है यातायात के लिए किसके लिए है यातायात के लिए है आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न है अगला प्रश्न आपके बीच आ चुका है

और भी उपलब्ध है उसके लिए आप हमारे इस नंबर पे WhatsApp करेंगे नंबर जो आपको नीचे दिखाई दे रहा है बार-बार उस पे WhatsApp करके आप जानकारी ले सकते हैं ये क्लासेस जौनपुर से चलती हैं अगर आप जौनपुर में हैं तो ये लेनी भी दुर्गेश की क्लास जौनपुर में ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं प्रश्न नंबर 24 का है सेतु भारतम कार्यक्रम कब से प्रारंभ किया गया 2012 से 2015 से 2016 से 2017 से जल्दी से कमेंट करके बताइए कब से शुरू किया गया जल्दी से जवाब दीजिएगा 2016 से तो सेतु भारतम कार्यक्रम 2016 से प्रारंभ किया गया आगे बढ़ते हम लोग भारतीय नौ वाहन निगम के स्थापना की स्थापना कब हुई देखिए वीडियो की लगातार कम सा सीरीज मिलती रहेगी इसलिए प्रत्येक सीरीज में वीडियो देखिएगा अगर ये वीडियो आपको रहा है इसकी अगली सीरीज भी देखते रहिएगा ठीक है प्रश्न नंबर पच्चीस में हम लोग ध्यान से देखते हैं यहाँ पे आपको मिलता है कि भारतीय नौवहन निगम की स्थापना कब हुई तो उन्नीस में हुई थी कब हुई थी नाइनटीन में हुई थी तो आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न है पारादीप बंदरगाह कहाँ है पारादीप बंदरगाह कहां मोस्ट इंपॉर्टेंट पारादीप बंदरगाह बंदरगा है, है? प्रश्न नंबर छब्बीस में बताइएगा पारादीप बंदरगाह कहां पे है तो इसका उत्तर होगा उड़ीसा इसका उत्तर क्या होगा ओडिशा होगा क्या होगा ओडिशा होगा देखिए यहां पे आपके नीचे एक नंबर दिखाई दे रहा है सिक्स थ्री जीरो सिक्स थ्री डबल फोर थ्री सिक्स सेवन आपको ऑनलाइन क्लास के लिए अगर आपको ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना इलेनी भी दुर्गेश तो तुम्हारे ऑनलाइन क्लास भी उपलब्ध है अगर आपको एनसीआर पैटर्न पर नोट्स चाहिए इलेनी भी दुर्गेश पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे तो आपको यहाँ पर हमारे यहाँ से आपको नोट्स भी उपलब्ध करा दी जाएगी साथ ही साथ वीडियो लेक्चर भी उपलब्ध हो जाएगा प्रैक्टिस सेट भी उपलब्ध है और आ, इसके साथ साथ आपकी बेहतर तैयारी इलेबी दुर्गेश पर हो पाएगी आगे अगला प्रश्न आपके सामने है भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है भारत के जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है प्रश्न नंबर सत्ताईस का जवाब दीजिएगा फटाफट क्योंकि आपका समय ज्यादा नहीं लेंगे तो इसका क्या होगा आ, इसका होगा पोत परिवहन क्षेत्र क्या होगा पोत परिवहन क्षेत्र प्रश्न नंबर सत्ताईस क्या होगा पोत परिवहन क्षेत्र होगा भारत के अंतरराष्ट्रीय व्यापार में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है अगला प्रश्न है नागरिक उड्डयन प्रमुख प्रश्न है परिचालन देखिएगा नागरिक एक बात याद रखिएगा जो दीज होता है यह लगभग अस्सी परसेंट सही होता है क्या होता है अस्सी सही होता है यह वीडियो अपने सभी साथियों को शेयर करना ना भूलेगा क्योंकि शेयर कर देंगे तो हो सकता है यह वीडियो उनके काम का भी उनको भी मिल जाए प्रश्न नंबर उन्तीस को ध्यान से देखिएगा हवाई परिवहन किन क्षेत्रों में है हवाई परिवहन किन क्षेत्रों में सार्वजनिक निजी देखिए यहाँ पे दोनों प्रकार ए और बी दोनों है हमारे यहाँ हवाई परिवहन जो है वो निजी भी है और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों जगह है अब अंतिम प्रश्न की तरफ चलते हैं प्रश्न तीन प्रश्न नंबर तीस है यह आखिरी प्रश्न है इस सीरीज का और उम्मीद करते हैं सीरीज आपको बेहतर लगा हो तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूलेगा अगर आपने लाइक नहीं किया है इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपने सब्सक्राइब करके अगर बेल आइकन को नहीं दबा आइकन दबा दीजिएगा ताकि हमारी वीडियो की जितनी भी वीडियो की सीरीज है वो आपको मिलती रहे प्रत्येक एक एक क्रम से अगला प्रश्न है भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण कब अस्तित्व में आया उन्नीस सौ प्रश्न नंबर का जवाब जल्दी से अपने कमेंट सेक्शन में दीजिएगा मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसका जवाब हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे या प्रश्न नंबर तीस का जी हाँ आपने एकदम सही जवाब बताया है प्रश्न नंबर जो तीस है उसका होगा उन्नीस सौ पंचानवे उन्नीस सौ पंचानवे भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण का अस्तित्व में आया एक छोटा सा प्रश्न हम पूछना चाहेंगे भारत का प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है तो अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया हमारे फेसबुक पेज से जुड़िएगा टेलीग्राम से जरूर जुड़िएगा टेलीग्राम पर आप इसकी नोट्स को उपलब्ध हो जाएगी जो ये सीरीज हम आपको पढ़ा रहे हैं अगर आपने इसकी स्क्रीन रखी तो ठीक है अगर स्क्रीन नहीं है आपके पास तो इसकी नोट्स हम आपको वहाँ पे उपलब्ध करा देंगे और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का इसी के साथ हम इस तीस प्रश्नों की सीरीज को बंद करते हैं और प्रतिदिन इसी टाइम पर आपको तीस प्रश्नों की बड़ी सीरीज मिलती रहेगी जहाँ पर हम एक साथ आपको दो प्रश्नों को कराने का प्रयास करेंगे इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपको बेस्ट ऑफ लक जय हिंद जय भारत